मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टूडेंट क्लासेज में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। आज चैप्टर 13 बताएंगे और टॉपिक है सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल लूप। एस बिफोर स्टेट स्टॉक हुक्ड फॉर आर इनिशियल एस और एस डब्ल्यू और एस टी Preceding a state stock hooked for R is expressed by writing the circle or loop on the same side as the R hook that is with the right motion। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं। किसी स्टेट स्टॉक के शुरू में S, SW का विड्थ और ST का चाप R hook के तरफ लगाने से R भी मिला हुआ समझा जाएगा। आपको पहले बताए थे एस का उच्चारण हिंदी में सा होता है, इसका एच डब्ल्यू का स्वा होता है, इसका अस्त होता है, इसका छोटा सर्कल लगता है, इसका बड़ा सर्कल लगता है, इसका क्या लगता है, चाप लगता है। वो पहले आपको बता चुके हैं। तो इसमें बताए अस्प्रा पहले स्प्राय कैसे लिखते थे, ऐसे एस का सर्कल किधर लगाए, इधर लगाते थे। तो आर के तरफ, आर हुक के तरफ अगर एस का सर्कल लगा देंगे तो आर क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। अस्ट्रे, तो अस्ट्रे में क्या करते थे, पहले ऐसे लगाते थे, एस का सर्कल कहां, इधर लगाते थे। लेकिन आर के हुक के तरफ, जहां आर का हुक लगता है वहां पे एस का सर्कल लगा देने से आर लुप्त हो जाता है। स्वीटर, इसमें छोटा सर्कल लगा, इसमें बड़ा सर्कल लगा, क्योंकि स्वा का उच्चारण हो रहा एस डब्ल्यू का। एस का सर्कल पहले ऐसे लगता था, नीचे लगाने से आर क्या हो गया, लुप्त हो गया। एस टी का स्टो का क्या है, एस टी का क्या लगता है, चाप लगता है, तो चाप लगाए हैं। पहले कहां चाप लगता था, ऊपर लगता था, इसे लगता था ना, तो ना चाप नीचे लगाने से आर लुप्त हो गया। इसमें भी अष्ट का चाप आ रहा है, अष्टकार अष्ट का उच्चारण हो रहा है। अब आइए एस बिफोर अदर हुक्ड स्टॉक इन अदर केस एस इज रिटेन इनसाइड द इनिशियल हुक सो दैट बोथ सर्कल एंड हुक आर क्लियरली शो। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं कि अन्य मामलों में प्रारंभिक हुक के अंदर एस लिखा जाता है ताकि सर्कल और हुक दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। सफर, एस का सर्कल और आर का हुक स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है। सूथर, एस का सर्कल और आर का हुक दम दिखाई दे रहा है ना। पॉसिबल, एस का सर्कल और एल का हुक स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
का हुक्म में एस का भी सर्कल लगता है। सिकल इसको हम अलग अलग कर दिए हैं, क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए हैं। दो स्ट्रेट स्टॉक या एक स्ट्रेट स्टॉक और एक कर्व स्टॉक के बीच कोण बनता है दोनों एस वृत्त और आर एल का हुक अलग अलग लिखा जाता है, माने अलग अलग लिखा जाता है, माने इसी को अलग कर दिए हैं कि अगर ये समझ में नहीं आता है तो ए आपको समझ में आ जाएगा। पेडेस्टल मतलब है कि डी और टी है जो क्या है, दो स्टेट स्टॉक है, ए बी स्टेट स्टॉक है, ई बी स्टेट स्टॉक है, तो दो स्टेट स्टॉक के बीच में भी एस आता है तो और एल आता है तो उसको अलग अलग पूरा दिखाई दे, दोनों एस का सर्कल भी एल का हुक भी दिखाई दे पूरा पूरा। एक्सट्रा ए बी स्टेट स्टॉक है, ए बी स्टेट स्टॉक है, दोनों के बीच में एस और आर का हो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक्सक्लेम वाई साइकिल समझ में आ गया। अब आइए कर्व स्टॉक में आर और एल हुक के अंदर ए सर्कल अलग से लगाया जाता है। ये तो ऊपर बताए स्टेट स्टॉक, क्या बताए स्टेट स्टॉक कि दो स्टेट स्टॉक में भी और एक स्टेट स्टॉक और एक कर्व, एक स्टेट स्टॉक एक कर्व स्टॉक आया ना उसके बीच कोण बनता है तो दोनों एस वृत्त और आर और एल का हुक अलग अलग लिखा जाता है। अब आइए कर्व स्टॉक, सिविल एल का है तो बड़ा हुक लगा, सफर सुथार में कर्व स्टॉक के एल के अंदर ही और हुक के अंदर ही एस का सर्कल लगता है, समझ गए, हुक में ही सर्कल लग जाता है। अब आइए वेयर एल हुक कैन नॉट बी क्लियरली शो इन द मिडल ऑफ ए वर्ड द स्टॉक एल इज रिटेन, हिंदी में भी लिख दिए आपको कि जहां एल हुक को किसी शब्द के मध्य में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा सकता है वहां स्टॉक एल पूरा पूरा लिखा जाता है। अनसाइडर मतलब है कि एल का हुक नहीं लग सकता यहां पे, इसलिए एल पूरा पूरा लिखे हैं। यहां भी एल पूरा पूरा लिखे हैं। अब आइए वेन एस के आर एस जी आर फॉलो
टी और डी द सर्कल इज रिटेन विद द लेफ्ट मोशन। अब हिंदी में भी लिख दिए हैं कि जब एस के आर और एस जी आर टी और डी का अनुसरण करता है तो वृत्त को लेफ्ट मोशन से लिखा जाता है। वृत्त को क्या लिखेंगे? लेफ्ट मोशन में। टास्कर इस तरह लिखेंगे और क्या होगा यहां पे? लुप्त हो गया और लेफ्ट मोशन में एस का सर्कल लगाएंगे। डिसएग्री, डिसग्रेस, वेर एस के आर अकर आफ्टर पी और बी द हुक आर मे बी ओमिटेड। इसको हिंदी में लिख दिए, जब एस के आर पी और बी के बाद आता है तो हुक आर छोड़ा जा सकता है। प्रिस्क्राइब, सब्सक्राइबर। अब आपको बताते हैं ग्रामर लॉक्स फ्रॉम है तो राइट मोशन में आर लिख के आर का हुक लगा देंगे लाइन पे तो फ्रॉम हो जाएगा। वेरी ए भी लाइन पे है, देयर ए भी लाइन पे है, एस में आर का हुक लगा दिए। मोर ये स्वर लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, अगर आपको जल्दी पकड़ना है तो स्वर लगा सकते हैं। रिमार्क, रिमार्क दोनों पकड़ने के लिए ईडी है इसलिए इसको काट दिए बीच से, या तो कहीं भी काट सकते हैं पकड़ने के लिए, किनारे भी काट सकते हैं। मेरे मिस्टर लाइन पे है, नॉर एन में आर का हुक लगा हुआ है लाइन के ऊपर है। नियर लाइन पे है, सरप्राइज लाइन के ऊपर है, सरप्राइज लाइन के ऊपर है। श्योर लाइन क्रॉस है, प्लेजर लाइन के ऊपर है। दे आर ए फ्रेज है, दे आर इकट्ठे लिख सकते हैं ए लाइन के ऊपर। इसके इसको पहले आप बात कर लीजिए, इसके साथ अभ्यास का पीडीएफ भी बना के अटैच कर रहे हैं, कुंजका भी अटैच कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज को बना लें फिर कुंजका से मिला लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। थैंक यू।